कानपुर में जीका वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 30 नए संक्रमित एक बार फिर से निकल आए हैं और ये आंकड़ा अब 66 के आसपास पहुंच गया है। 66 संक्रमित जीका वायरस के कानपुर में हैं और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त टीमों के साथ सर्वे कर रहा है, जाँच कर रहा है। हमारे साथ ACM साहब भी हैं और ACMO साहब भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, 30 नए संक्रमित निकल आए हैं, अब किस तरह से आप लोग कार्रवाई इसके प्रसार इसके फैलाव को रोकने के लिए कर रहे हैं? सबसे जरूरी बात तो ये है कि कल 30 नए केस आए थे और टोटल जो है जनपद में 66 केस हो गए हैं। यहाँ पोखरपुर में आज हम आए हैं डोर टू डोर भ्रमण करने के लिए ताकि हम देख सकें, और इसमें 2 केस पुराने थे, 17 केस नए आए हैं और सभी केस जो है उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो हो चुकी है। यहाँ पे लगातार जो है सुबह शाम जो है सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे फॉगिंग कराई जा रही, और जो हमारी सर्विलांस टीम है सैंपल टीम है जो उनके नज़दीकी जो है कॉन्टैक्ट के लोग हैं उनकी सैंपलिंग जो है हो चुकी है, और बाकी जितना भी यहाँ पे जो है सोर्स डिटेक्शन की कार्रवाई है वो भी कंप्लीट कर ली गई है। और दरअसल जो है पहले जो नए केस आए थे जहाँ हम खड़े हैं जनपद का यही केस सबसे पहला केस है और ये एयरफोर्स में यहाँ वर्क करते हैं और निवास इनका यहाँ पे है और यहीं से जो है इसकी चूँकि पहला केस हिस्ट्री यहीं से है तो यहाँ जो पुरानी सैंपलिंग हुई थी उन्हीं सैंपल हुए लोगों में जो है नए जो है केस आए थे, और आज जो है जैसा मुझे भी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बताया गया आज कोई नवीन केस जो है अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है। कितने सैंपल्स आप लोगों ने अभी तक कलेक्ट किए हैं और कितने रिपोर्ट आ चुकी है और कितनी आने वाली हैं? इसका डाटा जो है अभी मेरे पास पूरा कंप्लीट नहीं है और मैं आपको पता करके बता दूंगा। जो टीमें कितनी लगाई हुई हैं आपने यहाँ रोकथाम के लिए? टीमें जो हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं, ACMO साहब भी हैं उनसे ही बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कितनी टीमें लगी हुई हैं, टीम में कौन कौन है और क्या कैसे रोक रहे हैं इसको? देखिए पहला केस जो हमारा ये निकला था MM अली साहब का, ये एयरफोर्स स्टेशन में काम करते हैं, वहाँ पे हैंगर है 6 नंबर 7 नंबर, उसके पीछे हमने ब्रीडिंग प्लेसेस देखे तो उनका ब्रीडिंग बहुत थी। जो लोग अंदर काम करते हैं वो लोग बाहर, कुछ लोग शहर में रहते हैं, तो ये हमारा पहला केस था। तो जो हमारा मॉस्किटो आया, जो हमने मॉस्किटो वहाँ पर भेजा हुआ था दिल्ली, तो ये बराबर वाला घर जो है वहाँ पर वो मॉस्किटो के RT-PCR में पॉजिटिव आया, जिसके कारण क्या है कि हमें मालूम पड़ा कि ये जो मॉस्किटो की रेंज होती है 400 मीटर की, तो 400 मीटर में मॉस्किटो फ्लाई करता है, तो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है काट चुका है वो जिसको काटेगा उनको संक्रमण फैलेगा। इसके लिए हमारी सोर्स रिडक्शन की 100 टीमें लगी हुई हैं और हमारी जो है फोकल स्प्रे के लिए 100 टीमें लगी हुई हैं और हमारी सर्वेलेंस की 100 टीमें लगी हुई हैं। सैम्पलिंग इन लोगों की हो चुकी है सभी की इस एरिया में। इनके रिजल्ट्स जो कल आए थे, जो और रिजल्ट जो आए हैं उनमें इस एरिया के लोग पॉजिटिव निकले हैं, टोटल अभी तक 14-17 लोग पॉजिटिव निकले हैं। उनके घर का पता हम लोग जो है मालूम करके, क्योंकि सभी इसी एरिया के मालूम। किन किन इलाकों में आप लोग रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं? पोखरपुर में जहाँ हम खड़े हैं, इसके अलावा और कौन से इलाके हैं और कितने रेडियस में आप काम कर रहे हैं? हम लोग 3 किलोमीटर के रेडियस में काम कर रहे हैं, जिसमें पोखरपुर है, हरजिंदर नगर है, श्याम नगर है, तिवारीपुरवा है और आजाद न्यू आजाद नगर है, शिवकटरा है और लाल कुर्ती है, तिवारीपुर बगिया है। तो इसमें टोटल मिला के हमारी 100 टीम लगी हुई हैं जो काम कर रही हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी काम इन क्षेत्रों में हो चुका है, नए जो केस आ रहा है उसके अगेंस्ट फिर कार्रवाई कर रहा है। घर घर भी जा रहे हैं, लोगों को क्या कह रहे हैं, लोगों से क्या एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं? हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी घर घर जाके लोगों को समझाते हैं कि पूरे ढके हुए, पूरे शर्ट हो गया, पूरे पैंट हो गया, पजामा हो गया, ऐसे कपड़े पहने जिससे कि खुला हुआ पार्टनर है। ये मच्छर जो है दिन के टाइम काटता है, तो दिन के टाइम जब ये मच्छर काटता है तो उससे ये साफ पानी में, दिन के टाइम और साफ पानी में, तो इसलिए मच्छरदानी का उपयोग करें और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जिससे कि लोगों को पैनिक हो और उसके अनुसार परेशान हो, कतई करके डरने की ज़रूरत नहीं है। बचाव एक सबसे अच्छा तरीका है और फॉगिंग जो हमारी इंटेंस फॉगिंग नगर निगम द्वारा कराई जा रही है सवेरे के टाइम में और शाम के टाइम, सवेरे 2 घंटे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये फॉगिंग का एक्चुअल टाइम है। तो उससे हमारे मॉस्किटोज जो है जो एडल्ट मॉस्किटो वो मर जाएंगे,
और जो हमारे सोस रिडक्शन का काम हो रहा है उससे लार्वा जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लग करके मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहा है, लगा हुआ है कि किस भी तरीके से जीका वायरस को फैलने से रोका जा सके। ये जहां पर हम खड़े हैं ये वो जगह है जहां पर पहला जीका वायरस का केस आया था। कुल अब तक 66 संक्रमित मिल चुके हैं, लेकिन अच्छी बात ये है, रात की बात यह है कि फिलहाल पिछले कुछ घंटों में जो जांच रिपोर्ट आई है उनमें जीका वायरस का कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। दिवाली की अगली सुबह है और कानपुर पर जो खतरा मंडरा रहा है जीका वायरस के संक्रमण के केसेस बढ़ने का, वो फिलहाल उसकी रोकथाम के लिए अलर्ट मोड पर पूरा स्वास्थ्य महकमा है, नगर निगम है और जिला प्रशासन है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।